चलो यार, मैंने सारे पैसों की काउंटिंग तो कर ली है। और गाइज यहाँ पर आप जितने भी पैसे देख रहे हो ना, ये पूरे के पूरे भाई 5 करोड़ रुपए। और 5 करोड़ रुपए गाइज मेरे बैंक के अंदर है। टोटल गाइज मेरे पास 10 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। अभी यार 10 करोड़ का मुझे क्या खरीदना चाहिए मेरे समझ नहीं आ रहा। चलो सिंचन और चॉप से पूछते हैं आखिरकार क्या खरीदूं, अपने लिए एक नया घर खरीद लो या फिर इसी घर को अपग्रेड करा जाए। ओए सिंचन चॉप किधर हो तुम? अरे फ्रेंगल भाई यार यहीं पर तो है। और बताओ फ्रेंगल भाई खाने के लिए क्या मंगवा रहे हो यार ऑर्डर करके? अब बात सबको मैं पहले बता रहा हूँ, बात सबको चॉकलेट तो मंगवा मत लियो। कल बात सबको तूने बहुत सारी चॉकलेट मंगवा ली, बाहर सब कल मेरे दांतों में कीड़े लग गए। अरे चुप के बच्चे डॉग यार, चॉकलेट ढूंढना खाते यार, चॉकलेट तो मैं खाता हूँ। मैं फ्रेंगल भाई चॉकलेट मंगाओ। अब सिंचन मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आज सिंचन रेस्टोरेंट में जाके खाना तो खा लेंगे, लेकिन सिंचन ये बता मेरे पास सिंचन अभी टोटल भाई 10 करोड़ रुपए बचे हैं, उनका करना क्या है? अरे 10 करोड़ है क्या अभी? और क्या सिंचन भाई, उस टनल के अंदर से पूरे के पूरे सिंचन 50 करोड़ रुपए निकले थे, जिसमें सिंचन 25 करोड़ यार अपने लास्ट ने रख लेते, और सिंचन 25 करोड़ भाई लास्ट ने मुझे दिए थे, और 25 करोड़ इसका मतलब तुमने खत्म कर दिए। नए सिंचन भाई 15 करोड़ खत्म कर दिए, जिसमें सिंचन अभी मेरे पास पूरे के पूरे भाई 10 करोड़ रुपए बचे हुए। मैं क्या सोच रहा हूँ गाइज, अपने लिए यार काफी सारी बाइकें और खरीद लेता हूँ, क्योंकि गाइज मेरे को यार गाड़ियाँ जो जो पसंद थी ना, वो गाइज मैंने सारी की सारी गाड़ी तो परचेज कर ली, लेकिन गाइज मेरे पास एक भी बाइक नहीं है। यहाँ पे गाइज गाड़ी की कलेक्शन मैंने बना ली अपने लिए, अब गाइज बाइकों की भी कलेक्शन बनाते हैं सिंचन के बच्चे जल्दी भाई। आज का प्लान सिंचन मैंने डिसाइड कर लिया भाई, आज हम लेके आएंगे अपने लिए काफी सारी बाइक। और गाइज मैं ना एक शॉप जानता हूँ भाई, जहाँ पर एकदम ओपी ओपी बाइक मिलती है सिम्योन की दुकान पे, तो गाइज गाड़ियाँ मिलती है जो कि एकदम नॉर्मल घटिया सी गाड़ियाँ हैं, इसलिए गाइज आज मैं दूसरे शोरूम जाऊंगा बाइक के लिए। अब बात सब बोले आते समय ना बहुत सारे बर्गर लेके आ जाओ। अरे चुप के बच्चे बर्गर नहीं यार, आज ना हम रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने। फ्रेंगल भैया रुक जाओ यार। हाँ सिंचन रुका हूँ भाई, फटाफट से आ। अरे फ्रेंगल भैया एक बात बताओ, कल ना फ्रेंगल भैया यार लिटिल सीएम का बर्थडे है, उसे बताओ मैं गिफ्ट में क्या दूँ। अच्छा अगर लिटिल सीएम का बर्थडे है क्या? अरे हाँ जल्दी बताओ यार उसे गिफ्ट में क्या देना चाहिए मुझे उसको। सिंचन तू भाई गिफ्ट साइकिल कर सकता है, सिंचन साइकिल देख के तो वो काफी खुशी हो जाएगा। अरे पर फ्रेंगल भैया यार अब तो हमारे पास काफी सारे पैसे है ना, अब तो मैं उसको कोई महंगा गिफ्ट भी दे सकता हूँ। हाँ सिंचन तो भाई तू ही सोच तुझे उसे क्या देना चाहिए। एक काम करते हैं फ्रेंगल भैया से ना एक बहुत बड़ा बंगला गिफ्ट कर देते हैं। अब सिंचन बहुत बड़ा बंगला कहाँ से गिफ्ट करेगा भाई, हमारे पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए। अगर सिंचन बहुत बड़ा बंगला खरीदा ना, सारे पैसे सिंचन भाई वही खर्च हो जाएंगे हमारे। तो गाइज आप लोग एक काम करो यार, आप लोग ने मेरे को कमेंट करके बताओ आखिरकार गाइज यार मेरे को लिटिल सीएम को क्या गिफ्ट करना चाहिए। गाइज आप लोग यार अपने दोस्तों को जो कुछ भी गिफ्ट करते हो ना उसकी बर्थडे पे, तो गाइज आप लोग वही चीज यार मेरे को कमेंट करके बता दो, फिर गाइज मैं भी अपने लिटिल सीएम दोस्त को ना वही चीज गिफ्ट कर दूंगा। हाँ गाइज आप सिंचन को बता दो यार कमेंट करके, सिंचन को आखिरकार भाई लिटिल सीएम को क्या गिफ्ट देना चाहिए जिससे यार लिटिल सीएम का बच्चा खुश हो जाए। अरे पर अभी तुम कौन से शोरूम जा रहे हो? सिम्योन भैया की? नहीं सिंचन सिम्योन के शोरूम नहीं जा रहे, अभी जा रहे हैं सिंचन हम एक काफी मस्त शॉप पे जहाँ पे सिंचन सस्ती गाड़ी मिलती है। तो लेट्स गो सिंचन भाई, अभी हम अपनी लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं। आई थिंक सिंचन भाई यहीं कहीं पे उस बंदे की शॉप थी, पर दिख क्यों नहीं रही सिंचन? मैं सिंचन 2 साल पहले आया था भाई यहाँ पे, उस टाइम सिंचन मैंने काफी सारी यहाँ पे गाड़ियां देखी थी जो की भाई सस्ते में मिल रही है। अरे पर यहाँ पर तो यार बहुत सारी बाइकें हैं। हाँ सिंचन गाड़ी तो भाई मेरे को एक भी दिखाई नहीं दे रही, वैसे भी सिंचन हमको गाड़ी चाहिए थोड़ा, हमें तो बाइक ही चाहिए। बढ़िया सिंचन ये वाली बाइक देख यार क्या मस्ती लग रही है, इसके आगे तो सिंचन गन भी लगी हुई है। अरे तो इसे परचेज कर लो यार, ये ब्लू वाली कार भी परचेज करोगे क्या? अबे सिंचन पहली बात तो ये बाइक है, और मैं यहाँ से गया टोटली भाई 6 बाइक का परचेज करने वाला हूँ। हेलो सर। अरे नमस्ते नमस्ते, आप ये ब्लू कलर की बाइक खरीदना चाहते हो तो मैं पहले इसका रेट बता दूं आपको, ये टोटली आपको पड़ेगी 60 लाख रुपए की। क्या 60 लाख रुपए की? अरे क्या दिक्कत आ गई फ्रेंगल भाई, वैसे भी हमारे पास बहुत ही पैसे हैं। सिंचन ये बात तो भाई शॉप के ओनर को बता के, सिंचन भाई हम काफी अमीर है, जब तो सिंचन ये शॉप का ओनर भाई हमको रिस्पेक्ट देगा। अरे सर हमारी तरफ से आपके लिए फुल रिस्पेक्ट है। अरे भाई बॉस गिरा दिया, बाइक से ठोक के गिरा दिया। अरे अच्छा करो ऐसे गिरा दिया, काम कुछ करता नहीं है बस सैलरी लेने आ जाता है यहाँ पर। अरे बॉस मेरे को यहाँ से भाई टोटली 6 बाइक चाहिए। हाँ तो देख लो ना, जो आपको बाइक पसंद आए वो परचेज करो। आप बताओ आपके लिए चाय मंगाई जाए या कॉफी मंगाई जाए या कोल्ड ड्रिंक? अरे भैया एक काम करो यार, अपना कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। अबे नहीं सिंचन, कोल्ड ड्रिंक पीने आएगा तो यहाँ पे? अरे क्या दिक्कत है, मंगवा लो भैया मंगवा लो, और चाय भी मंगवा लेना। और सर आप गाय भैंस खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो, हम सर वो भी सेल करते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? गाय खरीदो और उसका ताजी ताजी दूध निकाल के पियो सुबह सुबह। अरे हाँ फ्रेंगल भाई सामने की तरफ देखो यार, बहुत सारी प्यारी प्यारी गाय हैं। अरे सिंचन भाई ये तो बाइकों के साथ भाई गाय भी सेल कर रहे हैं, क्या करे सिंचन भाई, गाय भी परचेज कर लेगा सुबह सुबह सिंचन दूध निकालेंगे। अरे तुम ही दूध निकालना, मैं तो निकालूंगा नहीं। हाँ सिंचन दूध तो भाई हमको निकालना ही नहीं आता। हेलो भैंसो, वाओ यार कितनी प्यारी है, लेकिन गाय भैंस नहीं भाई, ये तो गाय है भाई सारी के सारी। अरे फ्रेंगल भाई यार ये इनका तबीला लग रहा है मेरे को, लेकिन खाने के लिए तो यहाँ पे कोई चारा ही नहीं है सिंचन। अरे चारा वारा सब कुछ है, सुबह सुबह हम इनका पेट भर देते हैं, तुम बताओ कौन सी गाय खरीदना चाहोगे? नहीं भाई गाय का मैं क्या ही करूंगा। वैसे फ्रेंगल भाई काम करो यार, एक गाय को परचेज कर ही लो, ताकि फ्रेंगल भाई सुबह सुबह यार एकदम ताजी ताजी दूध पीने को मिले। अब सिंचन के बच्चे मैं नहीं निकाल पाऊंगा भाई इन गायों
गायों का दूध, उसके लिए सिंचन हमको भाई किसी को बुलाना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया सिंचन गायों को छोड़ यहीं से बाइक परचेज कर लेते हैं। गाइस अभी मैंने कितनी बाइक चूज कर ली, आई थिंक 4 बाइक तो गाइस चूज कर लिए। सर आप एक बात और बता दो, आप आखिरकार कितनी बाइक लेना चाहते हो? भाई मेरे को 4 बाइक चाहिए। अरे पर तुम तो बोले थे यार तुम 6-7 बाइक लोगे। सिंचन यहाँ से 4 परचेज कर लेते हैं और बाकी सिंचन दूसरे शोरूम से परचेज करेंगे। अरे हाँ ये बात भी सही कर रहे हो। अब सर जी आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रुको, अभी अभी सर मैंने एक बंदे को मिस कॉल मारी है, वो ट्रक लेके आएगा फिर आपकी गाड़ी वो पहुंचा देगा, ट्रक लेके आएगा। अरे भाई ये यहाँ पर जितनी भी बाइक है ना भाई, मैं किसी और से अपने घर पे शिफ्ट नहीं करवाऊंगा, मेरे को लगता है डर, मैं भाई सारी बाइकें खुद लेके जाऊंगा। अरे पर सर खुद लेके कैसे जाओगे, ये तो 4-4 बाइक है ना, और तुम अकेले 4 बाइक कैसे चलाओगे? अरे हाँ यार बॉस ने सही बोला, कैसे चलाओगे? अरे तू टेंशन मत ले, तू भाई ट्रक वाले को बुला और जब ट्रक वाला आएगा ना उसके बाद भाई मैं खुद ट्रक को चला के लेके जाऊंगा। और अंकल यार अभी तक कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, तुम बोले थे कि कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे। अरे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा ना, जल्दी चले कोल्ड ड्रिंक लेके, अभी तक तू गया नहीं। अरे जा रहे हैं बहुत जा रहे हैं, जल्दी चलते हैं। आज तो शॉप पे कोई अमीर बंदा आया है, उसकी बाइकों की डिलीवरी करके आनी है उसके घर पे, लगता है ये तो फ्राइकिल है। अरे फ्राइकिल मेरे मुन्ना। ओए चौनू भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे चौनू नहीं चिंटू, भूल गया क्या नाम? अरे हाँ चिंटू भाई, कितने दिन हो गए भाई, मैं तो तेर से मिला ही नहीं हूँ। अरे पूरे के पूरे 2 साल हो गए फ्रैंकिल, वो मैं दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया था ना, इसलिए फ्रैंकिल भाई मिल ही नहीं पा रहे। लेकिन एक बात बता चिंटू भाई, ये तेरा ट्रक? और क्या भाई हमारा ट्रक है, हमने यार डिलीवर बॉय है, सबकी गाड़ी बाइक के लोगों के घर पे डिलीवरी करते है। तुमने बाइक खरीदी है के कोई? और क्या भाई यहाँ पर तो जितनी भी बाइक देख रहे ना सारी की सारी मैंने परचेज कर लिए हैं। अब भाई तूने इनको मेरे घर पे छोड़ के आई हो, तुझे पता है अगर कोई और होता ना तो भाई मैं खुद ट्रक को चला के लेके जाता, लेकिन अब तो भाई तू आ गया ना, मेरे घर का एड्रेस तो तुझे पता है। फ्रैंकिल ये गाड़ी किसकी है भाई? अरे ये गाड़ी भी यार मेरे फ्रैंकिल भैया की है। लगता है फ्रैंकिल काफी अमीर हो चुका है, चलो अच्छी बात है अमीर हो गया, लेकिन कपड़े तो अभी भी वैसे पहने हुए हैं। अरे चिंटू भाई क्या है ना, वो यार मेरे कपड़ों का शौक चले गया, अब तू सारी बाइकें फटाफट से ट्रक में रख ले। तो फाइनली गाइस अभी हमारे पास जितनी भी बाइक थी ना वो सारी की सारी गाइस मैंने इसके ट्रक पे तो शिफ्ट करवा दिए हैं। सारी तो नहीं गाइस, अपने पास यार 4 बाइक थी, जिसमें से गाइस 2 बाइक ट्रक पे और एक नीचे गिर गई। ओए चिंटू भाई सही से रख भाई, कहीं रास्ते में गिरा मत दियो एक भी बाइक को। और गाइस जो मेरी अपनी गाड़ी थी ना भाई, जो सुपर कार थी, वो भी गाइस मैंने इसके ट्रक पे शिफ्ट कर दिया है। अब तो भाई फटाफट से घर पहुंच, मैं और सिंचन आ रहे भाई बाइक से। अरे हाँ फ्रैंकिल भाई यार बहुत दिन हो गए बाइक पे मैं बैठा नहीं हूँ, और मैंने भी सिंचन बाइक चलाई नहीं, इसलिए सिंचन मैंने अपनी गाड़ी भाई उसके ट्रक पे रख दी। अब चलते हैं सिंचन अपनी बाइक से फटाफट से अपने घर पे, और सिंचन चिंटू लेके आ जाएगा भाई अपनी सारी की सारी बाइक। अरे पर यार फ्रैंकिल भी उन्होंने यार कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई। हाँ सिंचन बस उस बंदे ने बोला कि भाई कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय पिलाएगा, लेकिन सिंचन कुछ भी मंगाया नहीं उसने। अरे पर तुम्हें एक बात पता है, जैसे चिंटू भैया घर पे पहुंचेंगे ना वो यार पक्का तुमसे पार्टी मांगेंगे, क्योंकि फ्रैंकिल भाई यार पूरे 2 साल हो गए वो तुमसे मिले भी नहीं, और साथ के साथ तुमने बाइक भी परचेज करी है। अरे हाँ सिंचन मैंने बाइक परचेज करी है, उसकी खुशी में तो वो पक्का सिंचन पार्टी मांगेगा ही। तो एक काम करते हैं सिंचन, आज ना सिंचन अपने घर पे पार्टी रखते हैं, और सिंचन अपने सारे दोस्तों को बुलाता हूँ मैं, और मैं भी बुलाऊंगा यार अपने दोस्तों को। और सिंचन अभी तुम लैस्टर के घर पे ही पास है, चल एक काम करते हैं सिंचन लैस्टर को उठाई लेते हैं और उसे भी अपने घर लेके चलते हैं, ये तो चिंटू की कॉल है। अरे फ्रैंकिल भाई, फ्रैंकिल भाई कहाँ है? अरे क्या हो गया भाई, घर पहुंच गया क्या? बड़ी जल्दी पहुंच गया। अरे भैया जल्दी आओ वहीं पे भैया जहाँ से तुमने बाइक परचेज करी थी, भैया एक गैंग आई और भैया बहुत मारा और सारी बाइक गाड़ी ले गई। अबे सिंचन भाई इसने तो कॉल काट दी, और सिंचन तुझे पता है ये क्या बोल रहा है? सिंचन अपनी गाड़ी और सिंचन बाइक चोरी हो गई, उसको सिंचन किसी ने मार के भाई छीन ली गाड़ी। अरे बाप रे ये तो बहुत गलत हुआ यार, अभी तो सिंचन भाई वो चारों बाइक मैंने परचेज करी थी, और सिंचन वो बता रहा है भाई किसी गैंग ने सिंचन उससे वो चारों बाइक छीन ली, और साथ के साथ भाई हमारी सुपर कार भी छीन ली। अरे बाप रे मोटा नुकसान हो गया यार। हां सिंचन पूरे 1 करोड़ की भाई 4 बाइक खरीदी थी, और सिंचन चारों ही वो ले गए। अरे फ्रैंकिल भैया यार लेकिन अभी जाना कहाँ है? अभी सिंचन हमको वहीं पे जाना है जहाँ से सिंचन वो हमने बाइक परचेज करी थी ना, उसके बाहर ही सिंचन कोई गैंग आए और सिंचन उन्होंने भाई गाड़ी बाइक सब छीन ली उससे। सिंचन भाई अभी जस्ट हम पहुंचने वाले हैं, 1 सेकंड ट्रक यहाँ पे खड़ा है, और ये खड़ा सिंचन चिंटू का बच्चा। ओए चिंटू। अरे फ्रैंकिल भाई बहुत बहुत भाई माफी मांगता हूँ भाई, तेरी बाइक में बचा नहीं पाया। अबे पर कौन सी गैंग थी भाई, एक बार मेरे को बता तो सही। अरे भाई वो कोई मिस्ट्री गैंग से आते थे सारे के सारे लोग भाई, 4 गाड़ी आई, चारों गाड़ी ने मुझे बहुत मारा और साथ के साथ भाई सारी बाइक ले गए और तेरी गाड़ी भी ले गए। मिस्ट्री गैंग? ये कौन सी गैंग है सिंचन? इस गैंग का नाम तो मैंने पूरे लॉस एंटोस के अंदर नहीं सुना, कौन सी नई गैंग आ गई? अरे फ्रैंकिल भाई अब करना क्या है ये तो बता, अब तू पैसे मुझसे लेगा कि अपनी बाइकों के? अबे नहीं यार तेर से क्यों लूंगा, अभी देखो उस मिस्ट्री गैंग से सिंचन बाइक अपनी लेके जरूर आएंगे। और क्या यार फ्री की बाइक थोड़ी ना थी फ्रैंकिल भाई, यार पैसे से खरीदी थी। हाँ सिंचन बाइक तो खरीदेंगे, अबे तू रो मत, फटाफट से बाइक पे बैठ, चलते हैं भाई पुलिस स्टेशन और सिंचन उनसे पूछ के आते हैं वो मिस्टर गैंग के बारे में। अरे फ्रैंकिल भाई बाइक ना थोड़ी धीरे चलियो भाई, मुझे आगे तो खड़ा कर लिया तूने, इस बाइक पे जगह नहीं है। अरे मैं भी तो यार पीछे खड़ा हूँ यार, पकड़ के खड़े हो। अरे क्या पकड़ू सिंचन बेटा, वैसे ही मुझे रोना आ रहा है, उन्होंने 4 चांटे लगाए गल पे। अब
अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है, अभी मैं तुझे खुद लेके चलूंगा ना उस मिस्ट्री गैंग के पास, और सिंचन आज उन्हें सबक सिखा के आएंगे। और क्या फ्रेंगल पे, तो यार उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। सिंचन उनकी हिम्मत कैसे हुई भाई, मेरी बाइक चोरी कर ली। अरे वैसे अभी ना उनको पता नहीं होगा कि ये तुम्हारी बाइक है, उन लोगों ने फ्रेंगल पे यार ट्रक पे देखी होंगी बाइक और छीन ली होंगी। अरे हाँ, मेरे से लड़ाई झगड़ा करा नहीं जाता ना, इसलिए लोग मुझसे सब कुछ छीन लेते हैं। स्कूल में भी बच्चे मेरी पेन पेंसिल सब कुछ छीन लेते थे। अरे पर चिंटू भैया यार, मेरे से तो स्कूल में आज तक यार किसी ने ना मारपीट करी और ना ही मेरा सामान छीना, क्योंकि यार फ्रेंगल पे तुम्हें पता है स्कूल में ना सब लोग मुझसे डरते हैं। हाँ सिंचन, तुझसे तो डरेंगे भाई, तेरे से तो घर में मैं भी डरता हूँ। और क्या यार, एक दिन फ्रेंगल पे तुम्हें याद है तुम्हारे मुंह पे मैंने चाय भी खीर दी थी गरम गरम। हाँ सिंचन, जब भी तो भाई मैं तेरे से फालतू नहीं बोलता, तो सिंचन पता नहीं कब बदला निकाल ले सिंचन डांट का, इसलिए तो मैं सिंचन तेरे को डांटता भी नहीं हूँ। और क्या यार, एक दिन गरम गरम चाय भी खीरी थी, लेकिन फ्रेंगल पे यार तुमको बहुत ही दर्द हुआ होगा ना। हाँ सिंचन, पूरी बॉडी जला दी थी भाई तूने मेरी। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम पुलिस स्टेशन तो पहुंच चुके हैं, चलते हैं सिंचन अंदर की तरफ, यहीं पे पार्क करते हैं। एक सेकंड सिंचन, इस बाइक में तो भाई बूस्टर भी है, देख रहा है सिंचन क्या ऊंची जंप लगाई। अरे वह अंदर ही लेके आ गए। अरे 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 अरे, अंदर अंदर बाइक कैसे लेके आ गए, लगता है खौफ नहीं रहा अब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का। अरे नहीं सर, वो तो गलती से आ गए बाइक अंदर। बता जल्दी क्या प्रॉब्लम है तेरी, और हाँ आज कोई केस सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा काम है। अरे भैया आपको पता है यार, एक गैंग है यार जिसने हमारी सारी की सारी बाइक छीन ली। सर पहले आप मेरे को ये बताओ, ये मिस्ट्री गैंग कौन है, लॉस सैंटोस के अंदर कोई नई गैंग आई है क्या? अरे हाँ बच्चे, ये बहुत पुरानी गैंग है, ये पहले अपने लॉस सैंटोस में आई थी और लोगों का ये सामान छीना करती थी, लेकिन उसके बाद ये पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आज पूरे 20 साल बाद इस गैंग का नाम सुनाई में आ रहा है, ये पिछले 2 हफ्ते से हमारे लॉस सैंटोस के अंदर आके लोगों का सारा सामान छीनती है, लगता है तेरा भी कोई सामान छीना है। हाँ भाई बता तो रहा है सिंचन। और याद रखियो, तेरी बाइक अब कभी नहीं मिल पाएंगी क्योंकि ये मिस्ट्री गैंग पता नहीं कहाँ है, इसका अड्डा कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। 2 हफ्ते से लोगों का सामान चोरी हो रहा है, लेकिन उनका सामान हम कभी लौटा ही नहीं पा रहे। मुझे पता था भाई आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए तो सिंचन हम निकल के आगे भाई पुलिस स्टेशन से। अरे अब क्या करेंगे यार, ये लोग तो बता रहे फ्रेंगल भाई मिस्ट्री गैंग को ये जानती नहीं है। रुक सिंचन, यहाँ पर भी तो कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। हेलो सर। अरे क्या हो गया बच्चे, अभी तू पुलिस स्टेशन के अंदर से आया ना, हमारी नजर तेरे पे थी, क्या हुआ? अरे भाई ये मिस्ट्री गैंग कौन है? मिस्ट्री गैंग बहुत खतरनाक गैंग है भैया, जब मर्जी ये गैंग किसी का सामान छीन लेती है, उसका अड्डा पूरे लॉस सैंटोस में किसी को नहीं पता। अरे पर कहाँ जा रहे हो भाई? अरे लगता है ये भी यार उस मिस्ट्री गैंग से डरते हैं फ्रेंगल भाई, ये पुलिस वाले भी। सिंचन भाई इस गैंग का तो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंचन मैं अपनी बाइक तो भाई लेके रहूंगा, लेकिन पता कैसे लगाएं भाई? सिंचन लोगों से पूछे क्या, आसपास के लोगों से? अरे रहने दो यार, लॉस सैंटोस के लोगों को क्या ही पता होगा। तो किससे पूछे भाई? एक काम करता हूँ सिंचन, अपने जितने भी दोस्त है ना सिंचन, सबको कॉल लगाता हूँ, और सिंचन उनसे बोलता हूँ भाई तुम्हारे जितने दोस्त है तुम सब दोस्तों को कॉल लगाओ और पूछो भाई ये मिस्ट्री गैंग है कौन। फ्रेंकिल भाई मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है। फ्रेंकिल भाई, अरे चिंटू के बच्चे तेरे को बहुत भूख लगती है भाई? भूख तो मेरे को भी लग रही है। अरे तो चलो घर चलते हैं, उसके बाद यार खाना पीना खा के निकलेंगे उस गैंग का पता लगाने। तो गाइज मैं अपनी गली के अंदर तो पहुंच चुका हूँ, और गाइज आपको पता है हमको गाइज उस मिस्ट्री गैंग के बारे में सब कुछ पता लग गया। गाइज जस्ट मैंने लैश को कॉल करी और भाई लैश ने सारी डिटेल बता दी भाई उस मिस्ट्री बॉक्स की। तो सिंचन भाई अभी हम घर पे रुकने नहीं वाले, फटाफट से भाई तुम दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर बैठो, निकलते हैं भाई उन मिस्ट्री गैंग के पास। गाइज आपको पता है वो मिस्ट्री गैंग गाइज लॉस सैंटोस के दूसरे एरिया पे एक जंगल है गाइज, उस जंगल के ऊपर एक रोड है और रोड के ऊपर ही गाइज एक टनल बनी हुई है, वो गाइज उस मिस्ट्री गैंग का अड्डा है। अरे फ्रेंगल भाई क्या कर रहे हो यार, ठोक दी तुमने मेरे ऊपर गाड़ी। अबे सॉरी सिंचन भाई सॉरी, फटाफट से बैठना जाम लग रहा है। अरे बैठ रहा हूँ यार, बड़ी तेज मुंह पे लगी थी गाड़ी। लो फ्रेंगल भाई दोबारा गिरा दिया मेरे को। अबे सिंचन के बच्चे जल्दी बैठ यार, तुझे लग गई क्या? अरे नहीं लगी तो नहीं, लेकिन यार तुमने ठोका कैसे? अबे सिंचन गलती से ठोक दिया, मुझे लगा सिंचन तू गाड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन तू तो भाई बैठा ही नहीं था। और फ्रेंगल भाई तुमको पता है यार उस मिस्ट्री गैंग के बारे में हमको पता लग गया, लेकिन फ्रेंगल भाई पुलिस वाले को नहीं पता उसका अड्डा। अरे फ्रेंगल मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मुझे मेरे घर छोड़ दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तेरे साथ हूं ना, उस मिस्ट्री गैंग के बंदों ने भाई तेरे चांटे वाटे लगाए थे, तू कह रहा है? अरे हाँ भाई मुझे मारा था, और मारने के बाद तेरी सारी बाइक छीन के ले गए फ्रेंगल। हाँ तो फिर तू टेंशन मत ले, मेरे साथ चल भाई, आज सिंचन भाई से पिटवाएंगे भाई इस बंदे से। अरे हाँ चिंटू भैया आप मारना उसकी गैंग के बंदों को। लेकिन फ्रेंकिल भाई एक बात बताओ, उस अड्डे पे तो भाई बहुत सारे लोग होंगे भाई, लेकिन हम तीन ही जा रहे हैं। अरे फ्रेंकिल भाई यार वैसे भी मैं तो यार लड़ूंगा नहीं, मैं तो चुपचाप से बैठू के गाड़ी में देखूंगा आखिरकार कैसे फाइटिंग हो रही है। अरे फ्रेंकिल मेरे भाई मुझे तो लड़ना ही नहीं आता भाई, इसका मतलब सिर्फ तू अकेला फाइट करेगा क्या उस गैंग से? अरे सिंचन चिंटू को बताना सिंचन, मिस्ट्री गैंग जैसे सिंचन अपने लॉस सैंटोस के अंदर कितनी गैंग आई, और सिंचन आज तक भाई मैं किससे डरा नहीं हूँ। और क्या फ्रेंकिल भाई गुड्डू गैंग की तो यार मुझे अभी भी याद है, उसको तो फ्रेंकिल भाई यार हमने 2-3 बार सबक सिखा दिया। हाँ सिंचन यार मैंने अकेले नहीं तो सबक सिखाया था। चलते हैं सिंचन चेक करके आते हैं ये मिस्ट्री गैंग कौन सी गैंग है भाई, जिसमें ज्यादा ही दम आ गया सिंचन, अपनी बाइक छीनी है और आज चल के सिंचन
हरिचंद भाई अपनी बाइक भी लेके आएंगे। तो गाइस अभी पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं और गाइस अभी हम अपनी लोकेशन पे भी पहुंचने वाले हैं। सिंचन ये जो तू भाई ऊपर की तरफ रोड देख रहा है, अभी सिंचन बस हमको वहीं पे जाना है। अरे तो भगाओ गाड़ी, एक सेकंड, ये क्या है, ये तो रैंप है। हां सिंचन, इस रैंप से ही होते हुए तो सिंचन इस सड़क पे आना होता है। ले भाई गाड़ी उलट पुलट हो गई। फाइनली सिंचन इसके अड्डे पे तुम पहुंच गए। अब भाई बस तुम खड़े होकर देखते रहो। लेट्स गो सिंचन, फायरिंग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड भाई, इनमें से तो किसी बंदे के पास सिंचन गन दिखाई नहीं दे रही, और जैसा सोचा था भाई बिल्कुल भी सिंचन वैसे तो है ही नहीं। अरे हाँ फ्रेंगल भाई, यार यहाँ पर तो बंदे ही नहीं है। मैंने सोचा था सिंचन यहाँ पे काफी सारे माफिया लोग होंगे, लेकिन सिंचन यहाँ पर तो बस ये 4-5 ही लोग ही थे। और भाई ये टनल दिख रहा है सिंचन, कितनी हॉन्टेड लग रही है भाई। अरे ये आर्मी के टैंक क्या कर रहे हैं फ्रैंकिल दोस्त, मेरे आर्मी के टैंक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अबे मुझे क्या पता भाई, मैं भी तो पहली बार ही आया हूँ ना। सिंचन चौकन्ना रहियो भाई, कहीं से भी कोई भी आ सकता है भाई, चारों तरफ से। एक सेकंड, सामने की तरफ से आगे भाई बंदे आगे गन लेके। अरे बाप रे यार, अब लग रहा है डर मुझे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा यार, चिंटू भैया को लग रहा है। अरे सिंचन तुझे डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लग रहा है, अरे मैं तो मस्त करके गाइस छुप चुका हूँ। सिंचन इसका मतलब तुझे डर लग रहा है ना बेटा? अरे फ्रैंकिल भैया तुम मुझे गन दिखाओ यार, मैं दिखा तो चिंटू भैया को फाइटिंग करके। मुझे कभी डर नहीं लगता चिंटू भैया, सिर्फ तुम्हें ही डर लग सकता है। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर जितने भी बंदे थे भाई सभी को मैंने लुड़का तो दिया है। और गाइस मेरे को कोई भी इस टनल के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। और सिंचन यहाँ पर चेक कर भाई, ये तो सुपर कार है। अरे लगता है ये सुपर कार भी फ्रेंगिल बेस गैंग ने यार छीनी होगी लोगों से। हाँ सिंचन, एक सेकंड, ये तो भाई डायमंड है। अरे वाह सिंचन, डायमंड भी मिल गया, ये कौन है? अरे सर मुझे मारना मत सर, भले ही मैं गैंग का बॉस हूँ लेकिन मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे मत मारो। जेल जाने के लिए? लगता है गाइस ये मेरे को पुलिस वाला समझ रहा है। अबे मैं कोई पुलिस वाला थोड़ना हूँ। एक बात बता, ये गोल्ड की गाड़ी खड़ी हुई है, गोल्ड डायमंड ये सब कहाँ से आया? अरे सर ये सब कुछ सर मैंने अपनी मेहनत से सर जी यहाँ पे लाया। मेहनत से लाया या फिर लोगों की छीनी है? अरे लोगों की, मतलब आपको सब कुछ पता लग गया क्या हमारी गैंग के बारे में? और क्या यार, सब कुछ पता लग गया और हमने पुलिस वाले नहीं है। देख भाई अब तू प्यार से बता, जो आज भाई मेरी बाइक छीनी गई रास्ते में से, वो बाइक किसके पास होंगी? और सिंचन यहाँ पर देखिए फुल टू फुल टीवी वगैरह लगा रखे है, मस्त गाइस इंतजाम तो कर रखा है इस बॉस ने। अरे तुम्हारी बाइक आज छीनी गई थी क्या? हाँ आज ही छीनी गई थी भाई, लॉस सैंटोस के अंदर से। अरे वो बंदे अभी तक आए नहीं उन बाइकों को लेके, लगता है बीच में इन बाइकों को बेच दिया होगा उन लोगों ने। बाइकों को बेच दिया मतलब मेरी बाइक नहीं मिलेंगी? अरे सर आप टेंशन ना लो, आपको मैं ये सारा डायमंड दे देता हूँ, बस आप मुझे छोड़ दो सर जी, आज से गंदे काम बंद कर दूंगा सर जी, आज से किसी की भी गाड़ी या चोरी नहीं करवाया करूंगा। ये गाड़ी पे गाइस मेरी बार बार यार नजर जा रही है, और भाई ये गाड़ी मेरे को काफी कूल भी लग रही है। सिंचन एक बार भाई थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेते हैं इस गाड़ी की। और फ्रेंगिल भाई ये बंदा तो बोल रहा है यार सारी की सारी चीजें हमको दे देगा। सारी चीज नहीं सिंचन, वो बोल रहा है कि भाई सारा डायमंड दे देगा। सिंचन भाई हमारी बाइक इसने चुराई है भाई, सिंचन लेना तो पड़ेगा भाई डायमंड। एक काम करते हैं सिंचन, सारा डायमंड ले लेते हैं इस बंदे से, और साथ के साथ ये गाड़ी भी लेते हैं। उसके बाद सिंचन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं इस बंदे के बारे में। अरे सर जी यहाँ पर जितना सामान है ना ये सारा तुम रख लो, गाड़ियां रख लो, गोल्ड रख लो, और ये सारा डायमंड रख लो। लेकिन ये सारा भाई तूने लोगों का चुराया, मैं क्यों रखूंगा? लोगों का नहीं चुराया एक भी, ये सारा सामान मैंने चोर के घर से ही चुराया सर। एक गैंग है बहुत खतरनाक, उस गैंग से सारा का सारा सामान चुराया मैंने, उस गैंग को हरा के। अच्छा तो ठीक है सर जी ठीक है। एक चीज और दिखाता हूँ आपको जल्दी से, गाड़ी में पेपर रखा हुआ है, जल्दी भाग ले तो भाग लो जल्दी, चल जा गाड़ी कितनी बेकार है, बस मेरी जान बच जाए आज कैसे भी करके, नहीं तो आज मर ही जाऊंगा, जल्दी भागो। ले सिंचन वो तो भाई चकमा दे के भाग ही गया, भागने दे सिंचन उसका, वैसे भी हमको करना ही क्या है। सिंचन यहाँ पर भाई जितना भी सामान है ना सारा का सारा निकलवाते हैं, और सिंचन अपने घर लेके चलते हैं। फाइनली गाइस इस गैंग को तो भाई मजा चकाई दिया, और वैसे गाइस यहाँ पर तो बंदे थे ही नहीं भाई ज्यादा। अरे हाँ फ्रेंगल भी इस गैंग का बॉस तो कितना डरपोक था। बढ़िया सिंचन ये तो अच्छा ही हुआ, ये कहाँ डायमंड में फंस रहा हूँ मैं भी। अब सिंचन एक काम करते हैं, सिंचन अपने जितने भी दोस्त है ना सबको सिंचन कॉल करके बुलाता हूँ, और सिंचन वो भाई बड़े बड़े ट्रक लेके आएंगे, और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां गोल्ड जो कुछ भी दिख रहा है ना सिंचन सब कुछ अपने घर पे ट्रांसफर करवाते हैं। उसके बाद तो यार हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। और क्या सिंचन तू देख नहीं रहा कितनी ओपी कार है भाई यहाँ पे, और साथ में भाई डायमंड भी अपने पास। लेकिन ये आर्मी के टैंक को काम क्या करेंगे? काम करता हूँ गाइस, ये आर्मी के टैंक ना यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो फाइनली गाइस अभी मैंने अपने सारे दोस्तों को तो बुला लिया है, और गाइस मैंने इनको सब कुछ बता दिया भाई इस लोकेशन के बारे में। और एक बार चेक करो गाइस यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, मेरा पड़ोसी भी आ चुका है। और भाई ये गाइस यहाँ पे सारे लोग एक ट्रक को चला के लाए, मैं नहीं चाहता गाइस यहाँ पे कोई और रैंडम बंदा है जो कि गाइस यहाँ से सारा सामान शिफ्ट करे। गाइस मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता ना, इसलिए गाइस मैंने अपने सभी लोगों को भाई जान पहचान के लोगों को ही बुलाया है। चल सिंचन
हैं भाई, अब फटाफट से हम भी एक ट्रक लेते हैं और निकलते हैं गाइज हम भी अपने घर की तरफ। गाइज यहाँ पे सामने जितना भी गोल्ड और डायमंड था ना गाइज, वो सारा का सारा गाइज हमने ट्रक के अंदर शिफ्ट कर दिया। उस ट्रक को गाइज मैं और सिंचन लेके जाएंगे अपने घर पे। देख लो गाइज पीछे भाई कुछ भी नहीं बचा था। अब फ्रेंकिल भाई यहाँ पे जितनी भी गाड़ी है ना, ये सारी की सारी गाड़ी ये शिफ्ट कर लेंगे। हाँ सिंचन मैंने सब कुछ बता दिया भाई इनको। हमारा ट्रक गाइज सबसे आगे खड़ा था जिसमें हमने डायमंड और गोल्ड शिफ्ट कर रखा है। ये रहा गाइज वो ब्लैक कलर का, इसको लेके चलते हैं मैं और सिंचन अपने घर पे। उसके बाद तो गाइज फुल टू फुल मजे ही आ जाएंगे। अरे मुझे भी बिठाओ फ्रेंकिल भाई, मुझे भी बिठाओ। बैठना सिंचन, मैं तेरे को रोक थोड़ा रहा भाई। चलो यार बैठ गया मैं भी, लेट्स गो। तो सिंचन निकलता है भाई अपने घर की तरफ। लेकिन सिंचन अभी भाई यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि सिंचन सामने भाई हमको रोड तो एकदम खाली दिखाई दे रही है, लेकिन सिंचन आगे रास्ता नहीं है भाई बिल्कुल भी आगे पीछे जाने का। हमको सिंचन जंगल के रास्ते से ही अपने घर को निकलना होगा जहाँ से हम आए थे। अरे तो यहाँ से जंप कराओगे क्या? लेट्स गो भाई, फाइनली नीचे जंप करा लिया सिंचन ये ट्रक। लेकिन सिंचन ये जो मिस्ट्री गैंग है ना, इसका बॉस सिंचन भाई भाग चुका है, तो सिंचन ये मुझसे जरूर जरूर बदला तो जरूर लेगा सिंचन, और मेरे बारे में सिंचन सारी की सारी डिटेल निकलवाएगा। हाँ यार क्योंकि इसका सारा सामान हमने ले लिया ना। देखेंगे सिंचन, अगर सिंचन वो कभी हमसे मिलने आया या सिंचन जो कुछ होगा वो आगे ही देखा जाएगा। अभी तो सिंचन फाइनली भाई घर पहुंचते हैं और घर पे चल के थोड़ा आराम करेंगे। फाइनली गाइस अभी हम अपने घर पे तो पहुंचने वाले हैं। सिंचन भाई आज तो बहुत ही काम हो गया। अभी सिंचन सारे ट्रक आएंगे तो भाई सभी में से सिंचन सारा सामान निकालना पड़ेगा। एक सेकंड सिंचन, ये क्या है भाई? अरे बाप रे ये क्या हो गया यार? अबे सिंचन ये सब क्या है भाई? ये तो सिंचन पेड़ है और ये बॉम्ब। अरे बाप रे मुझे लग रहा था फ्रेंकिल भाई कुछ गड़बड़ होगी, और देखो गड़बड़ होगी पक्का। सिंचन भाई ये जो हरकत हुई है ना सिंचन भाई, उस गैंग ने करी होगी। अरे हाँ वो मिस्ट्री गैंग के सारे लोग आए होंगे हमारे घर पे। सिंचन भाई यहाँ पर तो बहुत बॉम्ब लगा रखे हैं। अपने चॉप से पूछना होगा गाइस आखिरकार घर में ये हो क्या रहा है। चारों तरफ भाई बॉम्ब भी बॉम्ब बिछा दी उसने तो, और ये पेड़ के टुकड़े। ओए चॉप के बच्चे, अबे बादशाह पुले कर क्या रहा है तू? बादशाह पुले मैं गया हुआ था बादशाह स्वीटेगढ़, जैसे बादशाह पुले घर पे आया ये देखा बादशाह ये सब हो रखा है। मतलब चॉप तू भी घर पे नहीं था जबी तो ये सब हो गया। अगर तू घर पे होता तो चॉप के बच्चे कुछ भी नहीं होता। और भाई ये बॉम्ब पता नहीं गाइस कौन हैंडल कर रहा होगा, कब भाई ये बॉम्ब फोड़ दे पता नहीं है सिंचन कुछ भी। अरे अब करने क्या है फ्रेंकिल भैया? अब सिंचन करना क्या भाई, हमें कुछ नहीं पता। सिंचन इस घर से दूर रहना होगा। सिंचन क्या पता भाई हम घर में अगर थोड़ी देर भी रहे और सिंचन उनके पास कोई बटन हो, अगर उन्होंने बटन प्रेस कराना तो सिंचन भाई हमारा पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा। अरे फिर तो पक्का यार हमारा घर गया। सिंचन इस भाई मिस्ट्री गैंग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके बॉस को सिंचन मुझे पकड़ना चाहिए था भाई, उसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। अब बात सबको ले हो के रहा है कोई बताएगा? अबे हाँ चौप में तेरे को सब बता दो भाई, टेंशन क्यों ले रहा है तू? चेक करो गाइस हमारा घर तो भाई काफी बेकार हो गया यार, पक्का यार यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने ही वाला है और मेरा घर पूरा तबाही हो ही जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों को यार इस वीडियो का पार्ट टू देखना है तो फटाफट से गाइस कमेंट करके बता दो। और गाइस मैं फटाफट से उस बंदे का पता लगाता हूँ जिस बंदे के पास गाइस इस बॉम्ब का कंट्रोल है। गाइस वो चाहे तो भाई अभी भी मेरे घर को ब्लास्ट कर सकता है। अरे हाँ यार जल्दी पता लगाओ अपने घर कैसे ब्लास्ट होने देंगे। सिंचन अब कुछ तो करना पड़ेगा, सिंचन बहुत गड़बड़ी हो गई है, अरे तो जल्दी पता लगाओ ना। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस पार्ट टू देखना है तो फटाफट से कमेंट में यार पार्ट टू लिख दो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यारे वाला बाय।